हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो आज किचन में मैं क्या बनाऊंगी, आप लोग वीडियो को पूरा आज कीजिए, आपको सबको पता चलेगा। तो चलिए फटाफट किचन में जाकर खाना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, यानी लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किचन में आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी। तो मूली को मैंने अच्छी तरह छील ली थी, छीलने के बाद धोकर के साफ करके ले आई हूँ। अब हम उस मूली को कद्दूकस करेंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना और सुंदर सा कमेंट देने के लिए भी मत भूलना। तो इसी तरह दोनों मूली को मैंने कद्दूकस कर ली थी, दो मूली से आज मैं बना रही हूँ। आपकी परिवार के अनुसार आप लोग मूली को कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे। अच्छी तरह गरम होने के बाद डाल देंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल में अच्छी तरह जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने बाद कद्दूकस किया हुआ मूली को डाल देंगे। मूली को डालकर हम इसी तरीके की 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। यहाँ पर 5 मिनट होने के बाद हम उसमें डाल देंगे एक आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, हरा धनिया, सबको डालकर इसी तरीके की और थोड़ी देर हम भूनते रहेंगे। मूली में जितना पानी, सब पानी को सूखने तक आप लोग यहाँ पर मूली को भून लीजिए। तो यहाँ पर हमारी मूली भी भून चुका है। भूनने के बाद आधा ग्लास पानी डाल देंगे, पानी को उबलने तक छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी पानी भी उबल रही है। आधा कटोरी मैंने यहाँ पर ले ली थी बेसन। बेसन को लेकर अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल कर एक बैटर बनाएंगे। बैटर में लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक प्लेन बैटर बना लीजिए, यानी स्मूथ बैटर बनाइए। यहाँ पर पानी भी हमारा उबाल चुका है, तो सारी बेसन को यहाँ पर डालकर इसी तरह कंटिन्यू से हाथों को चलाते हुए बेसन और मूली को मिक्स करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए बेसन और मूली अच्छी तरह मिक्स होने के बाद एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ। एक प्लेट में लगा लेती हूँ ऑयल। ऑयल लगाकर सारी बेसन और मूली को इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। निकाल होने के बाद अच्छी तरह हम इसका ठंडा होने तक वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम उसका शेप देंगे। तो देखिए इसी तरीके की मूली को और बेसन को थोड़ी सी फैला लीजिए। और अब हम यहाँ पर एक चम्मच में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको इस तरह के प्लेन कर लेती हूँ। अब हम उसको ठंडा होने के बाद काट कर रेडी करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मूली को अपनी पसंद के अनुसार काट लीजिए। और यहाँ पर इसी तरीके की काट कर आप लोग चाहें तो उसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हो। जब आपको ज़रूरत होगी तो फटाफट निकाल कर खाना भी बना सकते हो। आप लोग चाहें तो सिंपल तरीके से भी इसको खाना बना सकते हो, मैंने एनी सब्जी बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालकर सारी बेसन और मूली को थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल लूँगी। इस तरह फ्राई करने से बच्चे आराम से खा लेते हैं, बड़े तो थोड़ी सी समझदार है ना, सब लोग खा लेते हैं। लेकिन बच्चों को समझाकर सारी खाना खिलाना, यानी सारी सब्जी खिलाना मुश्किल होती है। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी सेक लीजिए, बच्चे इस रेसिपी को आराम से खा लेंगे। बच्चे तो मूली खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। देखिए इसी तरीके की सारी मूली को हमने दोनों साइड सेक कर निकाल लेंगे। मेरे पास जितना सारा मूली और बेसन की पिस्ता सबको मैंने इसी तरीके की फ्राई करके निकाल लूँगी। आज की ब्लॉग आपको पसंद आई, यानी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक सुंदर सा कमेंट देने के लिए मत भूलना। और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो देखिए इसी तरीके की सारी मूली को मैंने थोड़ी सी सेक कर निकाल ली। आप चाहें तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह थोड़ा सा सेकने में हमारी ऑयल भी कम जाती है, खाना भी टेस्टी बनती है। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी मसाला बना करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद तेजपत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, जीरा, जीरा को चटकने दीजिए। जीरा चटक जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को थोड़ी देर भून लेते हैं, यानी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक प्याज को भून कर हम रेडी करेंगे। तो प्याज अच्छी तरह भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे 2 चम्मच। मीडियम आंच पर मसाला को भूनते रहेंगे। यहाँ पर मसाला हमारी भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब आपकी पसंद के अनुसार मिर्च पाउडर डालिए। यहाँ पर धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा करी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाला को भूनकर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कम ऑयल डाली थी, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं मसाला को भूनती रहूँगी। मसाला अच्छी तरह भूनने के तक हम वेट करेंगे। यहाँ पर ढक्कन लगा लीजिए तो आपकी मसाला फटाफट पर भी भूनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरी मसाला भी अच्छी तरह भून चुका था, तो लास्ट में एक चम्मच बेसन डाल दी। अब बेसन के बदले में आप चाहे तो मलाई डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो। यहाँ पर हमारी मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारी टमाटर सॉफ्ट होने के लिए ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के बाद एक दो आलू को मैंने अच्छी तरह फ्राई करके निकाल ली थी, तो आलू को भी यहाँ पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो आलू यहाँ पर ऑप्शनल, आप चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो आलू डालकर ढक्कन लगाकर हम उसको पकाएंगे। एक दो मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर पानी को बॉयल आने तक छोड़ देंगे, यानी उबाल आने तक छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी पानी में उबाल आ चुका है। डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे बेसन और मूली की, जो फ्राई करके हमने रखे थे ना सारी चीज़ को, यहाँ पर बेसन की पीसेस को डाल देंगे। एक दो मिनट बॉयल आने तक छोड़ देंगे मीडियम आंच पर। यहाँ पर देखिए हमारी सारी पीसेस को मैं डाल दी, थोड़ा सा भी बचा कर रखती हूँ, रात में बनाऊंगी। ढक्कन लगाकर इस तरीके की बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। अब गैस को हम कर लेते हैं बंद। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर सा रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। आज की छोटी सी ब्लॉग में यहीं पर रखती हूँ। मिलती हूँ अगले एक वीडियो में। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करने के लिए मत भूलना।